नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ पर। सिद्धार्थ शुक्ला अब हमारे बीच नहीं है। 2 सितंबर को उनका हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। जी हाँ, जब उनका निधन हुआ उसके बाद उनके दोस्त से लेके उनके किसी भी फैंस को इस बात पर विश्वास नहीं हो पाया कि अब सिद्धार्थ शुक्ला हम सबके बीच नहीं है, हम सबको वो छोड़कर जा चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि आपने बिग बॉस 13 में रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की बॉन्डिंग देखी होगी, किस तरीके से दोनों लड़ाई करते हुए दिखाई देते थे इस शो में हम सब ने देखा है। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में अटैचमेंट भी थी। वो अटैचमेंट हमें तब देखने को मिली जब आपको बता दें कि रश्मि देसाई सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन करने पहुंची थी। जी हाँ, यहाँ पर उन्होंने अपने सीने से लगा के उनकी आखिरी निशानी रखी थी, जिसको हमने देखा था एक वीडियो में और जिसको देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई थी कि वो उनकी इतनी करीबी दोस्त थी कि उनकी उस आखिरी निशानी को वो उनके आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ पाई। जी हाँ, सिद्धार्थ शुक्ला का जाना हर किसी के लिए एक बड़ा झटका रहा है, चाहे उनकी करीबी के लिए हो चाहे उनके फैंस के लिए हो। रश्मि देसाई भी कहीं ना कहीं सिद्धार्थ शुक्ला के काफी करीब थी और उनके साथ उनका रिश्ता काफी अटूट रहा था। इसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला का जाना रश्मि देसाई के लिए काफी झटके भरा था। आज इस रिपोर्ट में हम उसी निशानी के बारे में बात करेंगे और सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई की बॉन्डिंग के बारे में भी बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की बॉन्डिंग कैसी रही है, बिग बॉस 13 में उनका सफर कैसा रहा, इसके बाद उनकी बॉन्डिंग कैसी रही, कैसे दोनों दोस्त बने और कैसे बिग बॉस 13 में इनके बीच इतनी ज्यादा लड़ाई हुई। इन सब चीजों के बारे में आज हम उस रिपोर्ट में आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। आपको बता दें कि हमने शुरू से रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की बॉन्डिंग को देखा है। हमने देखा है कि कितने अच्छे दोस्त रहे हैं दोनों। बिग बॉस 13 में भी भले ही इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हों, काफ़ी कुछ हुआ हो, लेकिन एक कनेक्शन इन दोनों के बीच में हमेशा से था। अब आपको बता दें कि रश्मि देसाई जब सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन करने पहुंची थी तो रश्मि देसाई का भी हाल काफ़ी ज़्यादा बुरा था, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी निशानी को वो अपने साथ रखकर चल रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि एक वीडियो सामने आई थी जिस वीडियो में वो किसी एक ऐसे चीज़ को वो अपने सीने से लगाकर चल रही थी। वो सिद्धार्थ शुक्ला की आखिरी निशानी थी जो रश्मि देसाई के पास थी और जिसको देख हर किसी की आंखें नम होती चली गई कि किस तरीके से अपने दोस्त की याद में आज भी रश्मि देसाई उनकी आखिरी निशानी को छोड़ नहीं रही हैं। रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की बॉन्डिंग के बारे में भी हम आपको बताएंगे। वहीं आपको बता दें कि करोड़ों लोगों के दिलों की धड़कन और टेलीविज़न के मशहूर अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला के निधन से पूरा देश शोक में है। गुरुवार आपको बता दें बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला ने अंतिम सांस ली। उनके निधन ने टेलीविज़न के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी हिला कर रख दिया। कई कलाकार अंतिम बार उनके दर्शन करने के लिए भी पहुँचे। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला के निधन के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग उनके दिल से दिल तक शोक के शह कलाकार रह चुकी रश्मि देसाई को ट्विटर पर ट्रोल भी करते हुए दिखाई दिए थे। आपको बता दें कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला ने लगभग 3 साल तक एक दूसरे के साथ काम किया है। इन दोनों के बीच कोई झड़प से तो सभी वाकिफ हैं। सिद्धार्थ शुक्ला के अचानक निधन के बाद हर कलाकार सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त कर रहा है। इन सब के बीच रश्मि देसाई ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट किया था। हालांकि रश्मि ने इस ट्वीट में सिद्धार्थ का कहीं भी नाम नहीं लिखा था। उन्होंने एक बस टूटे हुए दिल की इमोजी से पहले बनाई थी और रश्मि देसाई ने जैसे ही ये इमोजी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की, लोगों ने समझ लिया कि ये सिद्धार्थ शुक्ला के लिए ही था। वहीं आपको बता दें कि बिग बॉस 13 में एंट्री करने से पहले ही सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई के रिश्ते में खटास थी। ऐसे में बिग बॉस के घर में इन दोनों में बहुत लड़ाई भी देखने को मिली। दोनों ने ही एक दूसरे पर बहुत सवाल खड़े किए। एक बार तो सिद्धार्थ और रश्मि के बीच बिग बॉस के घर में बड़ी लड़ाई हो गई थी, जिसमें बातों ही बातों में रश्मि गुस्से में ये कहती हुई नजर आई थी कि इंसान पानी के लिए मरता भी रह जाएगा तो भी मैं इसे पानी नहीं दूंगी, मरने दूंगी। बिग बॉस ने लड़ाई में कहे जाने वाले इस बयान के लिए लोगों ने रश्मि देसाई को ट्रोल भी किया। जी हाँ, आपको बता दें कि किस तरीके से रश्मि देसाई को ट्रोल किया गया था। काफ़ी कुछ कहा था कि यूज़र ने रश्मि देसाई के ट्वीट कर रिट्वीट करते हुए लिखा था कि कितना भी इंसान खराब हो उसे
मर जाए या मरने की दुआ नहीं देनी चाहिए। जी हाँ, एक दूसरे यूज़र ने ये भी लिखा था कि बहुत परेशान किया था तुमने उसे, अब अपना झूठा प्यार मत दिखाओ। जी हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं रश्मि देसाई इस दुख से बाहर नहीं आ पा रही हैं। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का लव हेट रिलेशनशिप तो किसी से छुपा ही नहीं है। बिग बॉस 13 के घर में दोनों के बीच झगड़े सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहे थे। रश्मि का सिद्धार्थ पर चाय फेंकना, रश्मि सिद्धार्थ की ये लड़ाई सबके सामने रही है। सिद्धार्थ का रश्मि को ऐसी लड़की बोलना, बिग बॉस के घर में होती लगभग हर चीज़ उन दोनों के इर्द गिर्द ही रहती थी। अब सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया से चले गए हैं, जिसके कारण रश्मि देसाई लगातार दुखी हैं। बता दें कि एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का 40 साल की उम्र में निधन हो गया। सिद्धार्थ के निधन से लोगों का बुरा हाल है। सिद्धार्थ के निधन की खबर के बाद रश्मि ने दिल टूटने वाला इमोजी शेयर किया था और अपनी फीलिंग भी एक्सप्रेस की थी। इसके बाद वो अपनी माँ के साथ सिद्धार्थ के घर भी गई थी, जहाँ पर वो आखिरी निशानी भी उनके साथ देखी गई थी, जो अपने साथ वो लेकर गई थी। जी हाँ, आपको बता दें कि इंस्टाग्राम पर भी सिद्धार्थ शुक्ला के साथ बिताए गए कुछ यादगार पलों की फोटोज उन्होंने शेयर की थी। फोटोज में रश्मि और सिद्धार्थ की खट्टी मीठी तकरार भरा रिश्ता भी दिखा था। फोटो शेयर करते हुए रश्मि ने लिखा था कि कभी कभी जिंदगी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, लेकिन आज ये रिमाइंडर है कि हम सबसे बड़ा भी कुछ है। शब्दों का अब कोई मतलब नहीं है, ये लिखते हुए मेरा दिल टूट रहा है। रेस्ट इन पीस सिद्धार्थ शुक्ला, ओम शांति। बता दें कि रश्मि देसाई और सिद्धार्थ ने शो में दिल से दिल तक में काम किया था। उस वक्त दोनों के रिलेशनशिप की खबरें लाइमलाइट में रही थी, हालांकि बाद में दोनों के बीच बहुत झगड़े होने की भी खबर आई थी। आपको बता दें कि दोनों ने अपने रिलेशन को भी स्वीकार कभी किया नहीं। सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई का रिलेशनशिप चाहे जैसा भी रहा हो, लेकिन रश्मि देसाई को जैसे ही सिद्धार्थ शुक्ला के निधन की खबर मिली, रश्मि देसाई बुरी तरीके से टूट गई। कहा जाए तो रश्मि देसाई पर दुखों का पहाड़ टूटा। उनकी आखिरी निशानी के साथ रश्मि देसाई को देखा गया। रश्मि देसाई की ऐसी हालत देखकर लोगों का भी दिल टूटा। जिस तरह से रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला में लड़ाइयाँ देखी गई हैं बिग बॉस 13 के घर में, इसके बाद किसी को ये बात एक्सेप्टेड नहीं थी कि क्या हो सकता है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ शुक्ला की लड़ाई हमेशा ही रश्मि देसाई के साथ रही है। कई बार इनके रिलेशनशिप की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन अब सिद्धार्थ शुक्ला इस दुनिया में नहीं है। तो आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला की बॉन्डिंग के बारे में, आपने जाना कि आखिरी वक्त में भी सिद्धार्थ शुक्ला के अंतिम दर्शन जब रश्मि देसाई करने पहुंची थी तो उनकी आखिरी निशानी वो अपने सीने से लगा कर रखा था उन्होंने। जी हाँ, तो आपको इसको लेकर क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल और खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।